गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नेहा एंड यू वाचिंग कलाकारी लाइफ बाय नेहा। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लिटिल डिफरेंट, क्योंकि ये होने वाला है वीहू का फोर्थ बर्थडे व्लॉग। यस, वीहू का फोर्थ बर्थडे व्लॉग ये है, और इसमें मैं बहुत सारी DIYs करके आपको बताने वाली हूँ कैसे आप अफोर्डेबल तरीके से बर्थडे को सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपको केक का और केक से लेके सभी डेकोरेटिव आइटम तक सब में कुछ ना कुछ DIY ज़रूर देखने को मिलेगा। आज हम ऑर्डर किए हैं, अगर तब तक अगर वो जैसा केक वो चाहता है वैसा बन जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनता है तो इसमें भी हम अपना कुछ DIY क्रिएट ज़रूर करेंगे, आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ प्रिपेयर करके देखा रखा है। एक्चुअली उसे चाहिए था पीजे मास्क का। जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा फेमस कैरेक्टर है और बच्चों को बहुत ही पसंद आ रहा है, और मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो हमेशा यही वीडियो में देखता रहता है। तो मैं चाहती थी कि उसका जो बर्थडे थीम हो वो उसी से रिलेटेड हो, तो उसके लिए जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं वो मैंने प्रिपेयर करे हैं खुद ने, और बाकी बलून्स हमने बाहर से कराए हैं। लेट्स सी, अगर वो भैया आ जाते हैं तो बलून्स होगा नहीं भागना, हम तो है ही फेल हैं, केक को डेकोरेट कैसे कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जिन भी लोगों को अफोर्डेबल तरीके से बर्थडे को सेलिब्रेट करना है और वो ज़्यादा खर्चा ना करते हुए बच्चों को भी खुश रखते हुए, आपको अगर ये बर्थडे सेलिब्रेट करना है या कोई भी ओकेशन को भी सेलिब्रेट करना है तो बच्चों के लिए बहुत एक्साइटमेंट रहने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी हाउ आई डिड। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले रिटर्न गिफ्ट के, जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड कर देते हैं। और इसमें जो भी गुडीज़ मैं डालने वाली हूँ वो सभी सामान आपके सामने मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो ये है सबसे पहले इरेजर्स, जो कि आईफोन शेप के हैं, और इसमें एक एक पैकेट में तीन तीन इरेजर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसके बाद है ये कुछ स्लाइंस है, तो इसी से मैंने जो केक टॉपिंग का जो DIY है वो इसी से मैंने किया है, तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। ये सूखने के बाद बिल्कुल एक टॉय जैसा क्रिएट हो जाता है, तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद में कुछ चॉकलेट्स हैं और मैजिक बुक है, जो कि मैंने कैमरा में दिखाना भूल गई थी। उसके अलावा कुछ छोटे मोटे टॉयज़ हैं, और ये है चोको फ्लेक्स, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं बच्चों को, तो आई थॉट कि इसको भी गुडीज़ में डालना चाहिए और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं इससे। और इसके बाद में मैं ये आपको गुडीज़ बैग दिखाने वाली हूँ, जो कि अमेज़न से मुझे मिले हैं, और इन सभी को मैं पैकेट में पैक कर रही हूँ। सारे पैकेट्स मैंने इसी तरीके से बना लिए हैं, बाद में मैंने इन्हें टेप से या फिर आप कलरफुल शीट से इन्हें पेस्ट करके या एक नेम स्ट्रिप लगा के भी इन्हें पैक कर सकते हैं। बहुत सुंदर लग रहे थे ये, और सबसे ज़्यादा जो बच्चों को एक्साइट करने वाली चीज़ थी वो यही गुडीज़ थी, तो ये बहुत एक अच्छा चीज़ रहा है। ये देखिए, अब ये सारे पैकेट्स पैक हो चुके हैं। देन आई थॉट कि इसमें कुछ स्लिप्स लगा ली जाए, और ताकि बच्चों में आपस में कोई झगड़ा वगैरह ना हो। हालांकि ये स्लिप्स बिल्कुल काम नहीं आई थी बाद में, बट अट्रैक्ट कर रही थी, कलरफुल पॉपअप करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके के मैंने कटआउट्स कट कर लिए थे, और इस तरीके से मैंने इनको पेस्ट कर लिया था, जिससे ये सिक्योर भी हो गए थे और बहुत ज़्यादा मैस नहीं हुआ था, खुल नहीं रहे थे आपस में, तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, इनसे कलर बहुत उभर के आ रहे थे। सो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं बैकड्रॉप की। बर्थडे बैकड्रॉप जो ऑनलाइन से आप अगर परचेज करेंगे तो अराउंड 2000 का कॉम्बो मिलता है, तो वैसा ही कुछ हमने बनाने का कोशिश किया है, और विद इन 100 to 200 रुपीज़ में आपका ये बैकड्रॉप रेडी हो सकता है। तो इसके लिए हमें इस तरीके की कलरफुल बड़ी शीट्स चाहिए होती हैं। यहाँ पे जो भी कैरेक्टर की थीम का आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उसे हम इस तरीके से मार्कर से, पहले मैंने पेंसिल से फिर मैंने मार्कर से ड्रॉ कर लिया है, देन इसे हम कट कर लेंगे और सभी कटआउट्स को अच्छे से कट कर लेंगे। आप अगर इन्हें 3D लुक देना चाहते हैं तो आप इनमें थर्मोकोल शीट्स लगा सकते हैं, जिससे ये और भी सुंदर उभर के आएंगे, बट इतना मेरे पास टाइम था नहीं,
तो मैंने सिर्फ कटआउट्स निकाले हैं और इतने भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। अगर आपको और भी ज़्यादा ट्रैक करना है तो प्लीज़ आप थर्माकोल लगाइएगा और ये काफ़ी सिक्योर रहते हैं उस चीज़ से। और जो भी डिटेलिंग है मैंने इन्हें ऑयल कलर्स से या ऑयल पेस्ट कलर्स होते हैं उन सब से मैंने इनकी डिटेलिंग की है। आप देख सकते हैं व्यू कितना ज़्यादा खुश हो गया था इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पर सारे कर्टन्स जिसे कहते हैं ये एक्चुअली किचन रोल पेपर है, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ एज़ फॉर द बैकग्राउंड क्योंकि ये बहुत रीज़नेबल है और इसका मल्टीपल यूज़ भी हो जाएगा। अगर मैं कोई भी कलरफुल पेपर लेके आती उसका कोई यूज़ नहीं होता, सो आई थॉट कि ये यूज़ हो सकता है और इसका जो ये प्रिंट है वो मुझे थीम के साथ अच्छा लगा, सो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। उसके बाद में जो भी बलून्स होंगे वो इसके बैकग्राउंड के पास पास लग जाएंगे और ये इस तरीके से कुछ यहाँ तक फिनिश होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं बनाने जा रही हूँ हैप्पी बर्थडे का बैनर। और ये बैनर नॉर्मली आपको 100-200 में मार्केट से मिल जाएगा, बट क्योंकि ये थीम के अकॉर्डिंग होना चाहिए था और पीजे मास्क में मोस्टली 3 कलर्स यूज़ होते हैं तो इसलिए मैंने रेड, ग्रीन और ब्लू कलर का यूज़ करके अपना खुद का कस्टमाइज बैनर बनाया है और येलो शीट से जो सारे अल्फ़ाबेट्स थे वो बनाए हैं और बहुत ज़्यादा 3D लुक आ रहा था इन सब से, बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रहे थे। तो आप भी इस तरीके से विद इन 10 रुपीज़ में, 30 रुपीज़ में, डिपेंड्स ऑन कलर्स और थीम यू आर चूजिंग, इस पे आप 50 रुपीज़ के अंडर में ये बैनर खुद अपने आप बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा बाहर से लाए हुए से बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव भी लगेंगे। तो गाइज़ आप देख सकते हैं व्यू कितना खुश है सभी चीज़ों को देखते ही, वेरी हैप्पी। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो ये है कि उसे अपना फेवरेट सिम्बा मिल गया है और ये सिम्बा हम आज ही इसी के बर्थडे पे ही लेके आए हैं। ये बहुत ही क्यूट है, इसका नेम हमने सिम्बा रखा है और इसको देख के व्यू बिल्कुल ही खुश हो गया है, सभी बहुत खुश हो गए हैं। न्यू मेम्बर घर में आ गया है।
कौन सा किसने ये कौन सा है तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा और आपने ये बर्थडे सेलिब्रेशन ब्लॉग इंजॉय किया होगा। और अगर प्लीज़ पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे कमेंट करें कि आपको कैसे किस तरीके की वीडियो पसंद है, ताकि मैं आगे उन्हीं वीडियो पे फोकस कर सकूं। और देगा पढ़ लो भी आपको जैन डांस करो अभी शर्मा रही है थोड़ी वार्म अप अरे चल कर गाड़ी।